अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में जो इसके जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोग छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छी तरह से कम्प्लीट कर सकें। ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको कहा जाए, आप जाए और शॉप से मिल्क लेके आए, तो आप मिल्क लेने जा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन के स्टेप होंगे? सबसे पहले आप मनी लेंगे, मनी के बाद आप घर से बाहर जाएंगे, या आप बाइक लेंगे, या इस तरह फिर शॉप पर जाएंगे, शॉपकीपर से डिमांड करेंगे और फिर अपने पास आएंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी होते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को वक्त फवक्त जो एग्जाम्पल्स के साथ गाइड करता रहूंगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उसको यूज करें। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। हम फॉलोइंग में क्या है आपके पास कि हम डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर स्टेप्स के जरिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, क्या अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को, अगर आप जो सोल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, जितनी प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड होंगी आप उसी तरह उसका सोल्यूशन जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई एम्बिग्युटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि रन 5 किलोमीटर अवे, अगर वो 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दे और मुझसे ये ना पूछे कि इन विच डायरेक्शन, प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, तो वो अपना जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो उसको अच्छी तरह से सोल्यूशन उसका नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डजंट कंटेन एम्बिग्युटीज। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो, कि वो हमेशा प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ क्लियर गोल। हर एक जो कंडीशन है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए और इसका प्रॉपर एक गोल होना चाहिए। After that, it is easy to understand and solve. फिर उसका क्या होता है कि understand करना और उसको solve करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, Given a problem statement, अगर आपको कोई problem statement दिया जाए, first we need to say whether the problem is defined well or not. जी, अगर आपके पास एक proper problem आ गई है, then आप लोगों ने decide करना है कि आया के जो problem है आपकी वो क्या proper है या नहीं है। If the problem is not defined, अगर problem जो है properly defined नहीं है, well, अगर अच्छी defined ना हो, then we can use one of the following strategies to define the problem. अगर आपके पास जो है problem जो है well defined नहीं है, आपको problem समझ नहीं आ रही, तो फिर हम लोग उस problem के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले ये steps को follow करेंगे। ठीक है, सो गेन बैकग्राउंड नॉलेज। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, किसमें जो प्रॉब्लम जो है वो अक्कर हो रही है। जैसे हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं के क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको कहा जाए कि आप फैक्टराइजेशन करें, बट आप फैक्टराइजेशन के काफी स्टेप्स को अपने माइंड में लाते हैं। तो क्या है कि आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो देखते हैं कि आपका जो पहले उस चीज के बारे में क्या नॉलेज है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इससे हमें पता चल जाता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसका क्या सोल्यूशन होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। तो क्या है कि इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हमारा जो अच्छा सोल्यूशन है वो कैसे नजर आना चाहिए। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और हम किसी भी सोल्यूशन का जो है कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद यूज गैसेस। गैसेस क्या होते हैं कि जब हमें किसी प्रॉब्लम का ना पता हो तो हम क्या करते हैं, हम उसमें गैसेस लगाते हैं। मैं फैक्टराइजेशन की बात कर रहा था, तो हम 2-3 तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्टेप प्रॉपर सॉल्व हो जाए हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू एप्रोप्रिएट गैसेस।
प्रॉपर गैसेस लगाने के साथ साथ आप उसका जो सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज गैसेस मे बी बेस्ड अपॉन अवर पास्ट एक्सपीरियंस, ये जो गैसेस हैं ये हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर बेस करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर, अगर आपको फिर भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसको पिक्चर्स के जरिए उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, अगर जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड नहीं है, सो वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, और अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो राइट साइड पे ये एग्जांपल है ये मैं सॉल्व करवाता हूँ, उससे पहले हम लोग ये लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। डू यू नो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं कि इफ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लेनेट, अगर मुझे 1 घंटा प्लेनेट को सेव करने में के लिए मिले तो आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट। तो मतलब 59 मिनट जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाएंगे और उसके बाद 1 मिनट में क्या हो जाएगा, उसका सलूशन हो जाएगा। रिमेम्बर पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अब ये जो वर्ड्स से ज्यादा पिक्चर स्पीक करे, कैसे जरा देखें इस प्रॉब्लम की तरफ, सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। ये हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है और ये हॉर्स है, उसके बाद क्या आपके पास ये 30 है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी है 30, तो विच मीन्स के हॉर्स ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हॉर्स है इसकी वैल्यू 10 है, बट यहाँ पर जो एलिफेंट शेप कह लें या एम शेप कह लें, जो भी आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, कोई शेप है ये, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास कितने अमाउंट, ये अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, बट हॉर्स की अमाउंट जो गिवन है टोटल कितनी है 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितने रह जाएंगे आपके पास 8, तो इसका मतलब 4 ये है आपके पास और 4 ये, तो अगर आपके पास 4 ये एम शेप है तो नेक्स्ट आपके पास ये जो शूज की जो पेयर है ये कितने टोटल 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 - 2 इज इक्वल टू 2, व्हिच मींस के शूज कितने हैं 2 हैं। और उसके बाद अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए शूज का पेयर 1 बना दिया है, हॉर्स कंप्लीट है और उसके बाद शेप भी क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अब जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, यहाँ पर देखिए शूज की वैल्यू 1 है, हॉर्स की वैल्यू 10 है और उसके बाद इसकी भी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 थी, तो उसका हाफ हो गया, कितना हो गया आपके पास 2। तो अब आपके पास इसका रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा आपके पास कि ये 2 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें ये 10 और 1। अच्छा डी मैथ्स का आपको रूल पता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी कोई आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 किसके इक्वल आएगा आपके पास जी 10 × 2, आपके पास ये 2 है इसकी वैल्यू नहीं, 10 × 1 इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना था आपके पास 4 में से 2 गए आपके पास कितना आ गया 2 जी, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 20 + 1 कितना आ गया आपके पास ये है 21, और ये जो 21 है आपके पास ये क्या है इस प्रॉब्लम का सलूशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, तो ये चीजें जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच को कहते हैं, ये लाइन है, और उसके बाद आपने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम जो है, वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम है इसको कितना हाईलाइट करके करना है, एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ क्लियर गोल, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इफ वी वेदर अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट, ये हमारे पास जरूरी है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड ना मिले, द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जो है स्टेप्स जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले गेम ब्रेकडाउन नॉलेज, हम लोग इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द स्टेट, आप बस इतना कर लें इसको। और उसके बाद आपके पास यूज गैसेस, और गैसेस की बात करें तो आपके पास जो है ये भी आप लोग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, गैसेस का भी स्टेप जो है ये कंप्लीट आप लोग कर लेंगे। अप्रोप्रिएट गैसेस, द गैसेस मे बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ड्रॉ पिक्चर्स जो है आप लोग ये कर लें, और उसके बाद जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है इसको देख लें। इफ आई वर आपके पास वो कहते हैं कि राइट अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बताई थी वो कौन सी है वो आप लोगों ने बतानी है, तो ये आपके पास जो है ये आप लोग राइट कर देंगे। और उसके बाद जो है ये जो प्रॉब्लम अगर आपके पास अलग से पेपर में भी आ जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली इसे कंप्लीट जो है, इस तरह कोई भी आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा, जो जो मैंने हाईलाइट किया ये चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।